हेलो दोस्तों, डाटा इंटरप्रिटेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें पांच विभिन्न विभागों में लड़कों और लड़कियों की संख्या, कुल संख्या दी हुई है, जिसमें आपका फिलॉसफी, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ये विभाग है, ठीक है। उसमें ये संख्या देखिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बॉयज और गर्ल का अलग अलग दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन, बायोलॉजी विभाग में लड़कियों की संख्या सभी विभागों को मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए हमसे पूछा क्या, बायोलॉजी विभाग में लड़कियों की संख्या सभी विभागों को मिलाकर, तो पहले बायोलॉजी में देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है। यह है बायोलॉजी विभाग आपका और इसका ये रहा संख्या, यानी 300, ठीक है। लड़कियों की संख्या 300, सभी विभागों को मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। सभी विभाग को क्या करेंगे, डिपार्टमेंट जितने भी हैं सारे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं, लड़कियों की संख्या ही बोल रहा है तो चलिए ऐड करते हैं। 140 प्लस 300 प्लस, देखिए ये 300 छोड़ेंगे नहीं, ये भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है, इसको भी ऐड करिए। 180 प्लस 250 प्लस 240, ठीक है, ऐड करते हैं। 140 एंड 240 कितना हुआ, 380, यहां जोड़ते हैं, ये हो गया 300 प्लस ये 3430। अब इसको ऐड करते हैं, 3 3 6 हो जाएगा 6 1 1 1 0, ठीक है, ये हो गया आपका, ऐड करने पे इतना आएगा। अब ये पूछ रहा है 300 ये इसका कितना पार्ट है, सीधे सीधे निकाल सकते हैं, 300 डिवाइडेड बाई 1110 इंटू 100, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद ये यहां पे चला जाएगा, तो हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 111, कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स, उसके बाद आपका ये जाएगा 7 टाइम्स अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, यानी कि 27%, इसका आंसर सही आंसर होगा 27%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर टू, सभी विभागों को मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। अभी देखिए लड़कियों की संख्या हमने निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, कितना आया था 1110। अब हमें केवल निकालना क्या है, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे, सभी डिपार्टमेंट के लड़कों की संख्या ऐड करते हैं, चलिए ऐड करते हैं, कितना है 80 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 120। देखिए लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली यहाँ से जोड़िए, उसके बाद डायरेक्टली आप उसमें से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं तो बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए देखिए ऐड करते हैं, 80 एंड 120 कितना हुआ 200, 200 प्लस 200 प्लस इसको ऐड करेंगे 250, अब देखिए कितना हुआ 650, ये तो होगा ऐड करेंगे, तो अब कुछ नहीं करना, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, कितना आएगा, घटाते हैं 1110 माइनस 650 06, ये हो जाएगा कितना 460, यानी कितना डिफरेंस होगा 460 का, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, देखिए सभी विभागों को मिलाकर लड़कों की औसत संख्या कितनी है। अब एवरेज पूछ रहा है, तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था इनको, इसको इन सभी डिपार्टमेंट में जितने भी बॉयज हैं उन सभी को क्या किया था, ऐड किया था, कितना आया था 650, और हमें अब करना क्या है, औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई जितने डिपार्टमेंट है उतना डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 डिवाइडेड बाई 5, देखिए अब यहां से ये कैंसिल आउट करते हैं, कितना आएगा 1 टाइम्स आएगा, यानी 130, औसत कितना आएगा, एवरेज 130, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए एक दूसरे से क्वेश्चन रिलेटेड भी होते हैं कभी कभी, कुछ नहीं करना होता, हमने जो पिछले डेटा निकाला हुआ है फिर नेक्स्ट डेटा उसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
इसलिए क्वेश्चन का जो भी दिया रहा है उस चीज को तुरंत निकालने की कोशिश करिए पहले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी विभाग के लड़कों की संख्या सभी विभागों को मिलाकर लड़कों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? एंथ्रोपोलॉजी में देखिए लड़कों की संख्या कितनी है, 100 है, और सभी विभाग में लड़कों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? अब देखिए हमें कुछ नहीं करना, हमने पिछले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाला था बॉयज का, कितना आया था सभी डिपार्टमेंट का 650, यही ना आया था। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी में क्या बोल रहा है, ये इसका कितना पार्ट है 100, इसका कितना पार्ट है 100 डिवाइडेड बाय 650 इनटू 100, परसेंट के फॉर्म में निकालना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 650, यहाँ से इसे कैंसिल आउट करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट 1 टाइम्स जाएगा, उसके बाद फिर जाएगा 5 टाइम्स, यानी 15% के अप्रॉक्सीमेट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। दर्शन शास्त्र विभाग की लड़कियों की संख्या का मनोविज्ञान विभाग की लड़कियों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है? अब डायरेक्टली देखिए यहां से निकाल सकते हैं, लड़कियों की ही केवल बोल रहा है ना कि संख्या का मनोविज्ञान विभाग की लड़कियों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, देखिए फिलॉसफी में कितने हैं 140 डिवाइडेड बाई कितना, साइकोलॉजी में देखिए 240, बस इनका रेशियो निकाल लीजिए, आएगा कितना 2 से डिवाइड होगा 7/12, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन होगा बी 7:12। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, ठीक है, थैंक यू।